नमस्कार, गुड इवनिंग। दिन की नए शुरुआत के साथ गोपाल कांडा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैं भी ठीक ठाक हूँ, मस्त और स्वस्थ हूँ। तो गुड़े फिर से आज एक मैं नए ब्लॉग से लेकर जुड़ चुका हूँ आप सभी के साथ। तो आज मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, आज सब आखिरी बार आपको यहाँ का व्यू दिखा देते हैं। तो जो है ना, यहाँ पर मैं 2 दिन रुक चुका हूँ और दोनों दिन मैंने यहाँ पर जो है ना यहाँ का मौसम पल भर में बदलते हुए देखा है, कभी गर्मी कभी धूप हल्की फुल्की। आज जो है ना हल्की फुल्की धूप भी निकली चुकी है और ये मामूली बात है, पहाड़ों में बहुत जल्दी निकल आती है धूप। वो देखिए, ये देखिए यहाँ का नज़ारा, जैसे मैं आपको कल बता ही रहा था कि ये पूरे गांव है, पूरे शहर बनने के लिए अग्रसर है। और आपको जो पथरीले वाले होते हैं ना, वो मकान बहुत कम दिखने मिलेंगे। जहाँ पर हम कल दियाबाती करने गए थे, वहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। इस साइड पर कोई रोड की साइड कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बोला ना गाँव से शहर की ओर अग्रसर वाला गाँव बन चुका है दुराड। और यहाँ का व्यू जो है नंबर 1 है, और सभी लोग आमा लोग यहाँ पर बैठ चुके हैं और ताऊ जी जो है यहाँ पर अपने भी फिलहाल जो है ना सेविंग कर रहे हैं। तो बड़े जो है ना मेरा नाश्ता वास्ता टीका होगा, सब कुछ हो चुका है। अब ऐसा ना, अब मेरा जो है टाइम निकलने वाला है, क्योंकि मेरे जो है पेपर टेस्ट चल रखे हैं, उनको देने जाना जरूरी है। लेकिन मन तो बहुत था बाइक की जर्नियों में रुकने का, पर कारण पेपर के कारणवश जाना पड़ रहा है। सबसे पहले तो अभी हमारा जो काम है वो पढ़ाई लिखाई का है, वो इसलिए निकलना ही पड़ता है। तो मन तो बहुत था, जैसे मैं बता रहा हूँ भाई के जन्म के लिए, सभी लोग रिक्वेस्ट कर भी रहे हैं कि रुक जा भाई ऐसा वैसा, लेकिन मैं जाना पड़ रहा है टेस्ट को लेकर। तो पहले एक तो पहला टेस्ट है, तो उसके जाना पड़ रहा है। अगर सेकेंड वगैरह भी होता तो देख लिया जाता, लेकिन अब जाना पड़ रहा है। तो देखते हैं 7:30 बजे तक। एक यहाँ पर बरसात है, यहाँ पर आमा भी मस्त करके बैठ रखी है, सुबह का नज़ारा ले रही है। और जो चाचा जी है ना, वो अभी गाय के लिए थोड़ी यहाँ पर जो है ना गायों का थोड़ा बीमारी वगैरह लगी है, उसके लिए थोड़ी दवाई वगैरह चाटा वगैरह ले जा रहे हैं। तो ये जा रहे हैं अभी छाने पे, उधर चलते हैं इनके साथ। तो ये चाचा लोगों की गाय, और जो है ना अम्मा, ये भी अम्मा भी लगी रहती है छोटे मोटे काम पे, धीरे धीरे लगी रहती है सुबह से शाम तक। देखिए बहुत ज्यादा ना जो बूढ़े बाढ़े हो जाते हैं ना, ये काम में बहुत ज़्यादा साथ निभाते हैं यार। और हमारे ताई जी भी अभी योगा पे लगी हुई है, बिल्कुल टाइम नहीं उन्हें, हाँ काम करना पड़ो। और ताई जी लगी यहाँ पे योगा क्लास पे, ऑनलाइन योगा क्लास, ठीक है, मस्त है, मस्त लगे रहो। तो दगड़ियों एक बार सभी लोगों को बाय कर देते हैं, नमस्ते कर देते हैं और निकलते हैं इधर से। जो क्या आप 7:30 बजे करना कर रहे, इधर बस आती है, तो एक बार सभी लोगों से आपको मिला देते हैं। तो ये है ताई चाची जी, चाचा जी और आमा, और ये भी आमा। तो सभी से निकलते हैं और चलते हैं। और चाचा जी जो है ना, वो तो रोड तक ही आ रहे हैं। तो फाइनल ऑडियो रोड पे आ चुके हैं। तो आप रोड पे हम ना थोड़े 5 मिनट जल्दी आ चुके हैं, क्योंकि जो गाड़ी का ना गाड़ी का भरोसा नहीं है, कभी 5 मिनट लेट कभी 5 मिनट जल्दी आ जाती है। तो हम 5 मिनट जल्दी आ चुके हैं। तो और चाचा जी हमें यहाँ पर छोड़ने आए रखे हैं। तो चाचा जी ने हमने आरे ब्लॉग में कल बहुत अच्छी ज़्यादा जानकारी दी थी, तो इनसे मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद होना चाहूँगा इस चीज़ का। और तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। थैंक यू बहुत अच्छा वीडियो बना रहे हैं कांडपाल जी, इनके ब्लॉग सामने देखे और इनके ब्लॉग देख के ही मेरे को कल उतनी बातें बोलने का एक साहस सा हुआ। बहुत अच्छा ब्लॉग कर रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है दिल से कि इनको सपोर्ट करें और इनकी वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू चाचा जी, तो फिर मिलते हैं जल्दी। वो दोस्तों, तो चाचा जी आपको कुछ यहाँ पर कुछ बताना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर जो उद्योग धंधे लगे हुए हैं ये बताएंगे। नमस्कार, साथियों जो आपको दिख रहा है वीडियो, जो स्थान है कि सरकार ने छोटे से उद्योग के रूप में लोगों को जमीन दी है कि यहाँ पर आएँ और छोटे छोटे उद्योग आप लोग करें। इसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी में लीज पर ज़मीन देती है और लोग अपना उद्योग करते हैं। जैसे यहीं पर एक टायर का फैक्ट्री है, यहाँ पर टाइल्स की फैक्ट्री है, यहाँ पर जूस की फैक्ट्री है, तो काफ़ी फैक्ट्री इधर हैं। और यहाँ पर गाड़ी रिपेयरिंग की भी वर्कशॉप है। और उसके नीचे जो आपको दूर दिख रहा है,
टिप्स हैं और यहाँ से पास आउट लोग बड़े बड़े पोस्टों में आज के डेट में हैं और हमको काफ़ी गर्व है कि हम बाहर से हैं और इंजीनियरिंग कॉलेज जहाँ का जाना माना एक संस्था है, एक स्कूल है और आपके पीछे का जो व्यू दिख रहा है और एक खूबसूरत सा हमारा गाँव है और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे कानपुर से आप फाइनली याद ओडियो पहुँच चुका हूँ सियालवाड़ी मार्केट पे और थोड़ी देर इधर खाना पीना करते हैं, थोड़ा जो घर के लिए जो भी लेना है वो लेते हैं, फिर निकलते घर के लिए, देखते हैं अगर गाड़ी मिल जाती तो और भी अच्छा है, तो देखते हैं क्या होता है। तो यार फाइनली ओडियो अब निकल चुका हूँ घर के लिए, दुकान से थोड़ा बहुत जो है सामान वामान भी ले लिया है घर के लिए, मम्मी का फ़ोन आया था तो ये ले आना, वो मैं लेके आ चुका हूँ। और यार एक बात बताऊँ ना, इतनी ज़्यादा धूप लग रही है, मैंने सोचा था गाड़ी मिल भी जाएगी गाड़ी की, पर गाड़ी मिल नहीं पाई तो जो थी मतलब वो निकल गई और अभी बहुत कड़क धूप लगी है दगड़ियों, बहुत ज़्यादा इतना कड़क धूप लगी है, बीमार होने का चांस बहुत ज़्यादा है इसमें। एक तो मेरी वैसे ही तबीयत ख़राब है फिलहाल, दिखा के हुआ कि सब जो भी करके आया हूँ जैसे आया हूँ हाँ मुझे पता है, तो सब फिलहाल आज तो तबीयत फिर ठीक ही है, मुझे लग रही धूप की वजह से कहीं और ना बिगड़ जाए। तो यार इतनी कड़क धूप लगी हुई है और मुझे ये चढ़ाई पार करनी है, देखिए सामने वाली चढ़ाई ना, ये पूरी पहाड़ी पार कर पूरी पहाड़ी पार करनी है ऊपर तक मुझे, और ये पूरी चढ़ाई है। तो निकलते हैं दगड़ियों घर के लिए, निकलते हैं घर के लिए, जितनी जल्दी पहुंच जाएंगे घर उतना अच्छा है, क्यों जितना टाइम बढ़ते जाएगा उतना तेज़ धूप बढ़ती जाएगी। लेकिन यार मेरा सर दर्द हो गया यार गाड़ी से, आज गाड़ी में आके तबीयत ख़राब तो थी बट, और आज और भी ज़्यादा मुझे लग रहा है कहीं घर जाके ज़्यादा ना हो जाए, तो ऐसा करता हूँ ना पहले मैं फटाफट से पहुँचता हूँ घर, क्योंकि मैं अकेला भी हूँ साथ में कोई है नहीं, तो फटाफट पहुँचते हैं घर पर और फिर मिलते हैं आपको घर पर, ठीक है। और यहाँ से अगर रास्ते में ऐसे ही पूरा छाव भरी हुई ना तो मज़ा आ जाएगा चलने में, लेकिन छाव तो वहीं पर मिलेगी नहीं। तो फिलहाल अभी मैं अपनी कोसी नदी के पास पहुँच चुका हूँ, जो ये है सामने पुल को क्रॉस करते हैं और निकलते हैं फिर, और ये सामने कोसी नदी वो पुल को क्रॉस करके निकलते हैं घर के लिए और मिलते हैं आपको। तो दगड़े फिर मिलते हैं आपको। तो यार फाइनल दगड़े पहुँच चुका हूँ घर और पूरी हालत ख़राब हो चुकी है, इतनी कड़क धूप लग रखी है ना बाहर, ये देख सकते हैं आप इतनी कड़क धूप लग रखी है, और इस धूप में मैं अभी घर पहुंच रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ सियालबड़ी से। थोड़ी इतनी खड़ी चढ़ाई है, बहुत ज़्यादा आफत आ गई यार, एक तो ऊपर से इतनी खड़ी चढ़ाई और ऊपर से इतनी कड़क वाली धूप लग रखी है, तो बहुत ज़्यादा आफत आ चुकी है, बहुत ज़्यादा पसीना पसीना हो चुका हूँ, एक तो बहुत ऐसे ही तबीयत ख़राब हो रखी है और इस धूप में मुझे लग रहा है और ज़्यादा इसका असर न करनी तबीयत ख़राब पे। जो भी है तो ऐसा करते ना खाना भी बन रही है, जैसे कि आपको आवाज़ आ रही होगी सीटी की, तो खाना भी हमारा बन चुका है और ऐसा करते हैं वो धोते हैं थोड़ा देर रेस्ट करते हैं खाना पीना करते हैं, तो उसके बाद आपको फिर मिलते हैं। तो यार फाइनल दगड़ियों खाने पीने के बाद मैं सो गया था, तो सोने के बाद अभी शाम के 5 बजे तक हैं, तो अभी मैं उठ रहा हूँ आराम से और उठने के बाद अभी अपने तया की ओर निकला हूँ, क्योंकि जहाँ पर अभी है ना हमारे वहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं, तया में जो था उस जो गेहूँ हुए थे वो पक कर उन्हें तो काट दिया गया है, देखिए जो पूरे खेतों में तया में जो गेहूँ थे वो पक के उन्हें अब जो काट दिया, खाली उनकी जो खूमियाँ ना वो बची हुई हैं। तो आगे सामने कई दोस्त लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ और इधर उन्हें बकरी लेके आए हैं, तो वो भी थोड़ा इन्जॉयमेंट भी हो जाता है उनका, और ये बकरी भी चारा जाते बोल एक पंज दुई काज, तो ऐसा हो जाता है एक पंज दो काज हो जाते हैं, एक यहाँ पर क्रिकेट भी खेला जाता है इन्जॉय भी हो जाता है और साथ ही में यहाँ पर बकरियाँ भी चराई जाती हैं, क्योंकि अभी जो बोलता है ना हमारे यहाँ मतलब सबके वहाँ यहाँ से जाता अलग अलग नामों से जाने जा सकते हैं, और अभी यहाँ पर बोलते हैं मुसार लगा, ये देखिए हमारे वहाँ लगी अभी मुसार, हमें यहाँ तो मुसार बोलते हैं, आपके वहाँ क्या बोलते हैं आप कमेंट करके बताना। तो ओडियो मैं फिलहाल वहाँ जा रहा हूँ और जो धूप है ना अभी 5 बज चुके हैं और दुराहाट और यहाँ सेम है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाके हैं ना दगड़ियों, फिलहाल वो अभी गांव से शहर बनने के लिए अग्रसर है, लेकिन वहाँ जो है ना अभी भी मतलब सेम ही है, शाम के 6 बजे तक 6:30 बजे तक आराम से कड़क वाली धूप रहती है, और सेम वही सेम यहाँ पर भी है, हमारे यहाँ भी कड़क धूप रहती हुई है। देखिए दगड़ियों जो मैं आपसे बोल रहा था ना कि गेहूँ वह उन्हें काट लिया, तो इस हमारे यहाँ इस पर कुछ इस प्रकार से काटते हैं, तो जो इसमें बाद में जो चारा होता है ना ये जो एक खुमियाँ टाइप की हैं, इन्हें हमारे यहाँ गाय बच्चियाँ वगैरह जो भी हैं वो चर लेती हैं, और इससे जो आधा से काट रखे ना इसे आधा का जो बनता है हमारे यहाँ चीले बनता है, इसे बैलों से मड़ाई की जाती है, तो इस प्रकार का हुआ है। और सामने देख सकते हैं धूप कितनी यहाँ पर खड़ी हो रखी है, कितनी कड़क धूप लगी हुई है, दुराहट हो कहीं भी हो ना पहाड़ी क्षेत्रों में हर कहीं जो जहाँ पर
जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ होती ना, वहीं मैं कह सकता हूँ कि ऊंची ऊंची पहाड़ियों में नहीं, जहाँ नीचे टाइप का होता है और पहाड़ियाँ लगी हुई थी ना, उधर मैं कह सकता हूँ कि हाँ कि उधर थोड़ी देर तक नहीं रहती होगी धूप, क्योंकि पहाड़ियों की वजह से नहीं आ पाती होगी नीचे। लेकिन ज़्यादा तक ना क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में ये धूप 5-5:30 बजे से ज़्यादा देर तक रहती होगी। तो फिलहाल मैं यहाँ पे मैं भी इंजॉय करता हूँ, थोड़ा क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, तो फिर मिलते हैं यहाँ। तो यार फाइनल दौड़े क्रिकेट खेलने के बाद आज घर, तो घर यार थोड़ी देर अभी लेट हो चुकी है, थोड़ी देर जो है दोस्त लोग आ रखे ना मेरे, तो दोस्त लोगों के साथ बैठ चुके थे, थोड़ी बातचीत कर रही थी। तो यहाँ पर कल हमारे यहाँ पर शादी भी है कल और परसों, तो नीचे तो शादी के लिए यहाँ पर सभी लोग आ रखे हैं, तो इसलिए मिल गए थे, तो थोड़ी देर बैठ गया। तो घर में अकेले आऊँ ना फिलहाल कब कभी से, तो दोस्तों उनसे मैंने बातचीत बहुत की, तो टाइम का पता नहीं चला, तो अभी घर आ रहा हूँ। और अच्छा घर पे देखा तो खाना पीना भी बनाई है, तो ऐसा करते हैं ब्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं और खाना पीना करते हैं, तो ऐसा करते हैं खाना पीना करते हैं और इसके साथ ही ब्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप चैनल पे नए हो तो नीचे आपको ब्लैक कलर का बटन दिख रहा होगा, उसे दबा दीजिए, और बगल पर बेल आइकन दिख रहा होगा उसे भी दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले आप सभी को मेरे ब्लॉग के नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।